अच्छा तो भाई साहब, ये स्टोरी स्टार्ट होती है बैक इन द 80s से। नहीं, इतना दूर नहीं जाना। अच्छा, ये स्टोरी स्टार्ट होती है, बल्कि ये स्टोरी यहाँ पे तो स्टार्ट नहीं होती यूट्यूब पे, ये स्टोरी स्टार्ट होती है फेसबुक पे, क्योंकि वहाँ पे वो व्लॉग पड़ा हुआ है, इधर से मैंने डिलीट कर दिया। इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग वो व्लॉग। अच्छा, वो स्टोरी स्टार्ट इस तरह से हुई, 7 दिन मोहब्बत इनकी कास्ट के साथ मेरा इंटरव्यू था, उसमें थी माहिरा खान, शहरियार मुनव्वर, मीरा सेठी और आमना इलियास, और मैं इंटरव्यू कर रहा था और मेरा पहला इंटरव्यू था इस तरह ऑन कैमरा। तो आई वॉज लाइक के अस्सलाम वालेकुम, कड़क के सीजन 1 के साथ आपका होस्ट इमरान असद और आज मेरे साथ मौजूद हैं आमना इलियास, माहिरा, सॉरी टेक 2, अस्सलाम वालेकुम कड़क। मतलब यार, जैसे ही मैं इधर देखा ना, तो वो चारों मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे और मैं उधर ही नम, और मेरा पहला इंटरव्यू था यार, मेरा बनता था ये नम होना। तो एनीवेज, उस इंटरव्यू में माहिरा खान ने मुझे एक बहुत ही प्यारी बात की थी, वो सुने आप। और एक मैसेज इंशाल्लाह। ये जो माहिरा खान ने कहा था ना, उसके बाद वाकई अच्छा, बेसिकली यूट्यूब रिवाइंड टाइप समथिंग बना रहा हूँ मैं, ये व्लॉग नंबर 70 को, और जो इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो पहला व्लॉग है, वो है अली जफर और माया अली के साथ, अली जफर के घर पे। देखें, इसने बोला वो साथ बैठी है, बताया आपने क्या ना, आ बेबी को लुक चाहिए ऐसा, ये पॉइंट टफ है, नहीं नहीं बस ऐसा तोड़ देंगे, पहले करो आ आ, नहीं ऐसे नहीं, प्यार से आ आ, बेबी को अली चाहिए, बेबी को अली चाहिए, थोड़ी कड़क, इसी तरह हमारा इंटरव्यू देखें कड़क। जब दुनिया करे जुल्म ना तू यूं भड़क, इसको देख ये कितना गड़क। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू हमारा था हमजा अली वासी के साथ और हानिया आमिर के साथ, लेकिन हानिया आमिर के साथ इंटरव्यू जब मैं कर रहा था तो माइक ठीक से नहीं लगा हुआ था, लेकिन 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 हानिया आमिर से मैंने इंटरव्यू के बाद शाउट आउट लिया था। तो ये देखें हमजा, मुझे आप बताइए, आप हंसते बहुत रेयर क्यों है? बहुत रेयर है। मैं तो बहुत हंसता हूँ। नहीं, हंसते हैं लोग आपको देखना चाहते हैं। मैं तो अभी भी हंस रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल हंसता हूँ, लेकिन मैं वो यूजलेसली प्रिटेंड करके नहीं हंसता। वो तो ना कि कभी बस कैमरा ऑन हुआ तो आपने एक स्माइली फेस बना ली, मैं उससे हंसता हूँ जो मुझे वाकई हंसी आती है। मैं वो फजूल में जस्ट टू अपीयर नाइस, मैं नहीं हंसता। क्लासेस पहन ले तो मुझे मेरी आईज नजर नहीं आ रही वैसे। अच्छा जी, फिर बनाया हमने पहला व्लॉग जो कि था बिलाल अशरफ के साथ, और माहिरा खान के साथ भी था, लेकिन माहिरा खान बहुत बिजी थी, मतलब एवरीबॉडी वांट्स माहिरा खान, तो मैंने कहा भाई मैं किसी और दिन कभी और कहीं और कर लूंगा माहिरा खान के साथ इंटरव्यू। तो ये देखें बिलाल अशरफ के साथ। Hi, this is Bilal Ashraf and a big shout out to Kadak Vlogs. All the best guys, keep it up. सबसे पहले तो बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम देने के लिए, और बताएं कैसी तैयारियां चल रही हैं सुपर स्टार की? यार अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, बस बिजी हैं प्रमोशंस में हैं, और जो हमने मेहनत की है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि आप लोग आएँ और इसी लग जाते सुपर स्टार देखें। अच्छा, इसके बाद था व्लॉग नंबर 2, जो कि व्लॉग कम था और इंटरव्यू ज़्यादा था, वो अली रहमान खान के साथ था, और अली रहमान खान के साथ इंटरव्यू करके मुझे पता लगा कि यार वो सिर्फ एक एक्टर ही अच्छा नहीं है, इंसान भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, अब कहते हैं ना किसी की रोजी पे लात नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कारमा कैसी चीज़ है, अल्लाह ताला देख रहे हैं अल्लाह ताला, तो इसी तरह आप किसी के काम पे तनकीद ऐसे मत करें विदाउट लुकिंग एट इट, यू नो।
हमेशा अच्छाई से, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, अपने माँ बाप से चीज़ सीखी है कि कोई बुरा से बुरा भी लग रहा हो उसको बुरा मत बोलो, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है। बेशक। अच्छा, इसके बाद हमने फिर व्लॉग बनाया PSL 2020 का, ये देखें। बस यार मैच का इमरान खान की थोड़ी सी आवाज़ में लगता है कि क्रिकेट कैसी चल रही है PSL में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्रिकेट आ चुकी है, यानी जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गई है। आ गई है, घबराना नहीं, क्रिकेट आई है वो भी आएगी। वो कौन, वो मुझे पता है। अच्छा, फिर PSL 2020 के व्लॉग के बाद हमने बनाया भाई साहब अपनी बेस्ट फ्रेंड मारुक चौधरी की शादी का व्लॉग, जिसमें उसने बहुत हेल्प की मेरी और उसने मुझे बहुत मोटिवेट किए कि भाई व्लॉग्स बनाया करें। तो ये देखें मारुक चौधरी की शादी का व्लॉग। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, शी इज मारुक रफीक चौधरी हु बिलोंग्स टू अ बिजनेस एंड अ डॉक्टर फैमिली फ्रॉम USA, बट शी इज सेटल्ड हियर इन पाकिस्तान सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम and this kadak vlog is of our barat. Now enjoy the vlog. अच्छा, फिर इसके बाद मैंने अपने दोस्त के साथ एक बलून चैलेंज किया था। बलून्स के अंदर हमने कुछ चीज़ें डाली थी और उनकी नंबरिंग कर दी थी और फिर बारी बारी पर्ची निकाल के वो बलून सर पे फाड़ना था। किसी में रूह अफजा था, किसी में कुछ था, किसी में कुछ था। तो ये देखें एक शॉट आप। The moment of truth. अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने किया एक प्राइवेट कॉन्सर्ट जो कि था मारुख के घर पे, और सिंगर था मोमिन एजाज। मोमिन एजाज के और भी बड़े कॉन्सर्ट्स अभी आगे आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। बाकी दूसरा, और भी बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही हैं, तो स्टे ट्यून्ड। भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे लाजमी। अच्छा जी, हमने एक बड़े मजे का इवेंट होस्ट किया हुआ है यहाँ पे, सारे ब्लॉगर्स आए हुए हैं और लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस है और दबू का प्लेयर भी एक बुलाया हुआ है, तो देखते हैं वो ड्रम किस तरह का बजाता है और कितना मजे का बजाता है। भाई क्या सीन है नाजरीन, इस लड़की से मिले, इसकी अभी अभी शादी हुई है। अगर आपने इसका शादी का व्लॉग नहीं देखा तो स्क्रीन पे यहाँ पे कहीं क्लिक करें राइट साइड पे। और आज इसने अपने घर पे एक बड़े मजे का इवेंट होस्ट किया हम सब ब्लॉगर्स के लिए, और बड़े मजे की सिंगिंग परफॉर्मेंस भी है अभी। जी मारुख, कुछ बताना चाहेंगी आप? ब्रेकिंग न्यूज कोई? सारे खाना खाएं, हाई टी एंजॉय करें। वेरी सर, मुझे ये बताइए जो डीजे मैक है फलक के गानों वाला, वो कौन बंदा है यार? अच्छा, वो आप है? तो मैं उनका वो डीजे मैक भी बुलाया, नवा मिक्स बनाया, आपने भी बुलाया। थैंक यू सर, आप आए। अच्छा जी, इस व्लॉग के बाद आई कोलैबोरेटेड विद यू खानू और उससे फिर मैंने कुछ टिप्स ली कि हाउ टू व्लॉग, देखिए आप। हाँ भाई इमरान साहब, PSL के बाद तो पहली बार कॉल आई है, बताएं भाई क्या खिदमत करें आपके लिए। बस यार मैंने ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है, तो बताओ क्या किया जाए यार, कोलैबोरेट करना है तुम्हारे साथ, कोई मजे का यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना है, अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया तूने, क्या बात है सर, वेलकम टू द क्लब। चले आ जाए, आपको पता चले कि हम कितने गमों से गुजरते हैं जब हम व्लॉगिंग करते हैं। लेट्स कोलैबोरेट, कहाँ मिलना है फिर यार? ऐसा कर लेते हैं ना, इधर ही लाहौर में कहीं भी मिल लेते हैं। आप तो लाहौर में ही हो आजकल, मैंने आपकी स्टोरीज देखी है, और वैसे भी लाहौर ही होते हो आप, तो इस तरह करते हैं यार। चल मिलते हैं फिर, बड़ी सी यू सून। अच्छा जी, तो गाइस यू खानू जो उमर खान है उसके साथ सीन ऑन हो गया, तो अब उसके साथ बनाते हैं कंटेंट, उससे पूछते हैं बल्कि कि कैसे कंटेंट बनाया जाए यूट्यूब पे, कैसे सक्सेसफुल ब्लॉगर बना जाए। चले फिर। A few moments later. हाँ भाई, नए नए ब्लॉगर्स क्या सीन है, ये फिर चीज़ होती है ना, अगर आप बिगिनर ब्लॉगर ना, फोन से स्टार्ट करो, कैमरा शैमराज, ड्रोन, गोप्रोज, जो आपके जेब में पड़ा है पेपर में भी लिख सकते हैं।
यार मैं जो है ना 50 टेके करता था शुरू में, पेपर पे लिखा होता था, हाथ पे लिखा होता था, फोन पे लिखा होता था, बट विद टाइम व्हेन यू डूइंग, अब देखो ना मैं कितना आराम से बातें कर रहा हूं, वी हैव सीन मी, और मैं फुल डर के बैठू हूं कि नहीं यार हमें साथ, हम पीएसएल में साथ थे, ये फुल बैठ फिर रहे होते थे। अच्छा जी, इसके बाद फिर खारियां का एक ट्रिप था, वहां पे कोई सोसाइटी थी, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को और ब्लॉगर्स को बुलाया हुआ था, तो फिर वहां पे गए और वो देखे फिर आप। अच्छा, फिर इस व्लॉग के बाद मैंने व्लॉग डाला शहर की शादी का व्लॉग, तो देखिए आप शादी के बाद, शादी के बाद ही पूछना। अच्छा जी, इसके बाद जो व्लॉग पोस्ट हुआ है, वो व्लॉग के अंदर दो इवेंट्स हैं, एक तो ये कि मोमिन का शो मैंने करवाया था GNN पे, और दूसरा उसी रात को फिर न्यू ईयर ईव थी एट सुल्तान ओल्ड लाहौर। अच्छा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था तारों से करें बातें का सेट, और यहाँ पर बैठ के मैंने फिर लाइव शो की रिकॉर्डिंग देखी, और उसके बाद फिर मैं मिला शो की होस्ट फिजा अली से। जी फाइनली शो खत्म हो गया और मेरे साथ ये देखें जी फिजा अली, फिजा हाय कहते मेरे सब्सक्राइबर्स को, हाय हाय, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं थोड़ लाहौर फॉर द न्यू ईयर ईव। अच्छा जी, फिर न्यू ईयर के बाद मैंने व्लॉग बनाया ब्रह्म टीवी के ब्राइडल कटोर वीक का, जो कि 3 दिन का इवेंट था, लेकिन व्लॉग मैंने 2 बनाए, एक व्लॉग पहले दिन का और दूसरे और तीसरे दिन का एक व्लॉग, तो 2 टोटल व्लॉग्स, वो देखें आप लोग, फिर उसके बाद अगले व्लॉग्स पे चलते हैं। दिस इज द एंट्रेंस, लेट्स गो इनसाइड गाइस। रेड कारपेट, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ। ये देखें जी इकरा मुर्तजा, ये बड़ी अच्छी ब्लॉगर है, झूठी तारीफ कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरे साथ लबीबा अरशद, लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ, ये दो और ब्लॉगर्स मुझे मिली हैं अभी अभी। जोया क्या हाल है? आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास, क्या चल रहा है भाई? एंट्रेंस खुल गई है, चलते हैं मंदिर और आप लोगों को दिखाते हैं। पहले बाहर मैं रेड कार्पेट में था और अब मैं अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे ये सेटिंग स्पेस सारी बनी हुई है और रैंप भी यहाँ पे ही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा हुआ भाई इन्होंने पूरा।
सैडली ये वापस भी जा रही है, इसके साथ मैंने कंप्लीट ब्लॉग बनाना है। मैंने बहुत इसे कॉल्स की है इसके लिए, तो देखते हैं कब ये मुझे बताती है कि ठीक है भाई ऑनेस्टली। आप कैसी हैं? मास्क लाया आपका? मास्क अभी अभी पॉकेट में रखा है इस वीडियो के लिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का कल भी ख्याल रखा गया था, इस पूरे शो के अंदर ख्याल रखा गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं वो बंदे जिन्होंने मुझे यहाँ पे, मुझे क्या सबको इन्होंने बुलाया हुआ है। कैसे हैं आपने सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताएं। फर्स्ट क्लास, कैसे चल रहा है यार शो? क्या जबरदस्त, बस कोविड की वजह से रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं और लोग जो है कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। वीडियो बन रही है, वीडियो तो इससे ऐसे थोड़ी सी है। कैमरामैन शहबाज रशीद के साथ नजीब भट्टी, एयरवाइन न्यूज, लाहौर। एक वन एंड हाफ ईयर बाद भी ऐसा इवेंट हो रहा है तो मजा तो आ रहा है, चैलेंजेस उसकी अपनी जगह पे है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड यू नो द ड्रिल्स, डू ऑल दैट। मास्क उतार दो जल्दी से। हेलो पूजा, कहाँ गायब हो भाई? बस वर्किंग एंड चिलिंग। पकड़ लिया भाई ये, कसम से हम लोग कुछ दो साल पर मिले हैं यार। क्या सीन है? बस आपके व्लॉग्स देख रहे हैं। झूठ बोल रही है, कोई नहीं देखती है। देखती हूं। ये देखिए मेरे साथ टॉप व्लॉगर्स भाई, क्या हाल है बिस्मा? हेलो एवरीवन। या अभी तो बस थोड़ी देर पहले से ही आया हूँ, अभी स्टार्ट होता है तो फिर पता लगेगा कि क्या सीन है। कीप वाचिंग। आप बताओ, आप किधर? ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? विदा कहाँ है? विदा पर्सनल क्वेश्चन ना किया गया, पर्सनल अटैक करने लग जाए। सो बेसिकली लेडीज एंड जेंटलमैन, आज लास्ट है तो मैं आपको थोड़ा सा सेट दिखा देता हूँ, जो सेट इन्होंने बनाया है, ये सारा सेट इनका एलिसियम पीआर, फर्स्ट क्लास। आप सुनाए कैसे हैं? थैंक यू फॉर कमिंग, आई होप यू लाइक, प्लीज सबको दिखाएं। ये देखिए जी मेरे साथ एच एस वाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यहाँ मेंशन लॉन्च किया और दूसरा आपका प्ले बहुत फर्स्ट क्लास जा रहा है। थैंक यू। और बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, बड़े अरसे के बाद कोई मेन स्ट्रीम एक्टिविटी हो रही है अपार्ट फ्रॉम योर एक्टिविटी? बहुत खुश हूँ जी कि मैं समझता हूँ कि ये आई नो कि बहुत टफ सिचुएशन के अंदर ये शो कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए नए मेजर्स यूज़ होने होंगे, तो शायद ऑडियंस कम हो फिर इंशाल्लाह दुनिया में और बाहर जो हमारे पाकिस्तान में लोग बैठे हुए वो उस शो को देख सकेंगे टीवी के जरिए। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम हियर टू सपोर्ट। अच्छा जी, फिर ब्राइडल कुटोर वीक के बाद आपने फीचर किया हीरा मानी को इधर कड़क व्लॉग्स के ऊपर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, ये वीडियो को लाइक भी करो फॉर एल्गोरिथम, ताकि YouTube और लोगों को भी दिखाए ये वीडियो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखें मेरे साथ हीरा मानी। हीरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, इनके व्लॉग देखें और प्लीज मेरे आने से इनके नंबर्स भी बढ़ने चाहिए। हीरा आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा यार, क्या बात आपकी, आप सिंड्रेला हैं आपको पता है? Really? या मैं सिंड्रेला, मैंने आपके बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देखे हैं और यकीन करें वाइब्स आती हैं कि सिंड्रेला है ये बंदी। नो डाउट, असल में वो मेरा मियां भी कहता है कि वो फेरी टेल लगती है मुझे, माय साथ है ना फेरी टेल की किसी दुनिया में हूँ मैं। लेकिन थैंक यू, आप सबका बहुत प्यार है, आई लव यू गाइस। अगर आप लोग ना इतना प्यार करें तो ये जो मेरे पीछे मेरे बाउंसर्स खड़े हैं ना, बस आप लाहौर आती जाती ओके इंशाल्लाह जरूर, लॉट्स ऑफ फन, बस एक बच्चों के साथ। अच्छा जी, इसके बाद मैंने एक व्लॉग बनाया अपनी एक दोस्त के साथ जो कि इंग्लैंड जा रही थी, देखिए आप। रवीन क्या हाल है? हेलो, मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ इमरान कैसे हो यार? फर्स्ट क्लास, किस जा रही हो यार? लाला मूसा। और इसके बाद फिर हम गए लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे और बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज से मिले वहां पे, इवन डाली कम व्लॉग में मिले ज्यादा लोगों से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए भाई हमारे साथ कौन मौजूद है इस वक्त, कौन? कड़क भाई, कड़क हो जाओ सारे। क्या हाल चाल भाई? फर्स्ट क्लास जी, आपने कैसे? ए वन जबरदस्त। कितने एक्साइटेड है आप शो को? यार देखिए, मैं हमेशा से एक एक्साइटेड आदमी रहता हूँ, बिल्कुल मेरा एक्साइटमेंट लेवल बड़ा हाई होता है, बिकॉज मैं जो भी काम करता हूँ मैं अपने दिल से करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, शहबाज भाई, शहबाज जी क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? फर्स्ट क्लास। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे नहीं गए ना, आपकी बॉस मुझे वहाँ से कहलवा रही है, प्लीज सर। सो गाइस, ये चक्कर है हमारे साथ कौन है भाई, आईमा दी आईमा वे, कैसी हैं आप?
फर्स्ट क्लास क्या चल रहा है? आपके नए सॉन्ग्स आ रहे हैं पांच, आपके फैन है, कैसे नहीं रख सकते? Shout out to Karak Vlogs. Finally, ladies and gentlemen, my favorite. कैसे आप? बिल्कुल ठीक हूँ. फिर आप कैसे? फर्स्ट क्लास. आपका नया सॉन्ग कब आ रहा है? बस यही मैंने बस आ रहा है यार. पिछला साल बड़ा मुश्किल था. इंस्पिरेशन कोई जीरो थी. घरों में बैठे हुए थे. वाज अ टफ ईयर इमोशनली, फिजिकली, मेंटली. सो फाइनली थिंग्स आर ओपनिंग अप. दिमाग को भी थोड़ा सकून है. आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वी आर गोना स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, राइटिंग मोर, एंड गुड थिंग्स आर कमिंग. गुड थिंग्स इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Guys, you need your chai, like you need your vlogs. Karak Vlogs, subscribe today. Come on. Yeah. This vlog number 70, ye record bhi saath saath ho raha hai aur saath saath edit bhi ho raha hai. Anyways, iske baad ek dost ki birthday party thi, wo main nahi dikha raha. Uske baad aayi main Thani Aamir corona ke baad, to wo dekhiye aap. Ladies and gentlemen, finally Thani Aamir. Aniya, kaisi hain aap? फर्स्ट क्लास. इतने अरसे के बाद मैं आपको देख रहा हूँ. आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मुझे ही इज़ अ फैमिलियर फेस एवरीवेयर आई गो, सो इट्स सो नाइस टू सी यू एवरीवेयर. थैंक यू सो मच. कैसा लग रहा है लाहौर आके इतने अरसे के बाद? आती तो रहती है, लेकिन मैं तो आती रहती हूं, पर यकीन करें ये मुझे लग रहा है इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू. दो साल के बाद भाई Thani Aamir से मिल रहा हूँ मैं. हमेशा मुझे टेक्स्ट आता है, आर यू इन टाउन, आर यू इन लाहौर, आर यू हियर, एंड आई एम लाइक आई एम बट आई एम लीविंग टुमारो, सो वी नेवर गेट टू मीट. ओह, सब्सक्राइब टू Karak Vlogs. थैंक यू सो मच Thani. यार मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसका पार्ट टू भी बनाना पड़ेगा और पार्ट थ्री भी शायद बन जाए, अदरवाइज ये वीडियो डेढ़ घंटे की बन जाएगी. तो ये था पार्ट वन. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब और लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं फिर पार्ट टू में. और कोई भी स्पेसिफिक वीडियो अगर आपने देखनी है तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. और पार्ट टू फिर कल अपलोड करेंगे इंशाल्लाह.